नमस्कार, डिश ऑनलाइन में आपका स्वागत है। अभी तक आपने छिपकली का डरावना रूप ही देखा होगा, लेकिन मिजोरम में एक ऐसी प्रजाति मिली है जो हमेशा स्माइल करती रहती है। बंदरों की तरह पेड़ों पर छलांग लगाती दिखती है। इसे पैराग्लाइडिंग छिपकली कहते हैं। इसको को देखकर लोग भागते नजर आते हैं, क्योंकि एक तो उसका रंग रूप डरावना होता है और दूसरी वह काफी जहरीली मानी जाती है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक इसका शरीर पर गिरना अशुभ माना जाता है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी छिपकली के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे देखकर प्यार आ जाएगा। ये हमेशा स्माइल करती रहती है। आप जानकर हैरान होंगे कि कुछ दिनों पहले ही वैज्ञानिकों ने इसे भारत में खोजा है। नेचर में पब्लिश रिपोर्ट के मुताबिक इसे पैराग्लाइडिंग जेकॉस कहा जा रहा है। मिजोरम विश्वविद्यालय और मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजी तुबिंगन जर्मनी के शोधकर्ताओं ने मिजोरम में भारत म्यांमार सीमा पर इसकी खोज की। इसे पैराशूट गिको इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यह बंदरों की तरह एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक छलांग लगाती है। गेकोस छोटे ज्यादातर मांसाहारी छिपकली हैं, जो दुनिया भर में गर्म जलवायु में पाई जाती है। चौड़ी आंखों वाले स्माइल करने वाली इस छिपकली की खोज उस समय हुई जब शोधकर्ता पूर्वोत्तर भारत में छिपकली की आबादी का सर्वे कर रहे थे। भारत में पहली बार दिखी यह छिपकली। इसका वैज्ञानिक नाम मिजोरम राज्य के नाम पर गेको माइजोरमेंसिस रखा गया है, लेकिन वैज्ञानिकों ने एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर ग्लाइडिंग करने की आदत के कारण इसे पैराशूट गेकोस करार दिया है। ये हवा में उड़ने के लिए अपने शरीर और पूंछ के साथ स्किन को फ्लैप करती है। पैराशूट जेकोस आमतौर पर बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और कंबोडिया में नजर आती है, लेकिन ये पहली बार है जब शोधकर्ताओं ने भारत में इस नई प्रजाति को देखा है। कुछ छिपकलियां तो 200 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकती हैं।